पहली क्लास जहां पर पहला प्रश्न है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा। यानी कि पहले प्रश्न में पूछा गया 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% के हिसाब से ब्याज साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कि साधारण ब्याज का प्रश्न है। अगर तो देखो इस प्रश्न को अगर हम कंसेप्ट के वेव से देखें तो यहां पर डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पर मैं बिल्कुल एडवांस मेथड पढ़ाऊंगा, यानी कि बिल्कुल शॉर्टकट में पहला प्रश्न को देखते हैं 4%। यानी कि समय हमारे पास टाइम दिया है, यहां पर टाइम हमारे पास दिया गया है 6 मंथ और रेट दिया है हमारे पास 4%। यानी कि 6% आपके पास टाइम, 6 मंथ आपके पास टाइम दिया है, 4% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहां पर, क्या यानी कि इसको हाफ ईयर नहीं मान सकते, हाफ ईयर माने तो आपके पास यहां पर डायरेक्ट कंसेप्ट को लेके चलेंगे हम लोग। यानी कि रेट आपके पास मंथ कितना दिया, 6 मंथ, इसको ईयर में 1/2 मान सकते हैं हम लोग। और डायरेक्ट कंसेप्ट के करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2% की वैल्यू हमारे पास अगर 150 रुपीज है तो 100% की वैल्यू हमारे पास होगी 150/2×100। यहां से हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहां से काट सकते हैं, यहां से चला गया 75 का डबल आपके पास हो जाएगा 150 आपके पास आंसर आएगा 75×100 इक्वल टू आपके पास प्रश्न आंसर आता है 75×75 राइट आंसर। मैं सिंपल इंटरेस्ट का या फिर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जहां पर हम आर एंड टी की फॉर्म में लगा के डायरेक्ट कंसेप्ट से हम फॉर्मूला साधारण ब्याज का फॉर्मूला ना लगा के हम डायरेक्ट कंसेप्ट से आंसर निकालेंगे। कि किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुणा हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपके पास प्रश्न है साधारण ब्याज का, पहला ऑप्शन है 5 से ही 5/9%, दूसरा ऑप्शन है 6 से ही 5/9%, तीसरा ऑप्शन 18%, चौथा ऑप्शन है आपके पास 25%। इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करते हैं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए आप तब तक किसी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, आपके पास विजन होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यहां पर बच्चों आपको अगर इसी कंसेप्ट को, इसी फॉर्मूले को, इसी अगर आपके पास क्वेश्चंस को अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम, अगर आप ट्रिक होना चाहिए, ट्रिकी यानी कि आपके पास ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जैसे ऐसे क्वेश्चंस है आप 2 या 5 सेकंड में खत्म कर देते हैं। अगर ऐसे आपको डायरेक्ट करना है यानी कि आपके पास क्या है 7/6, अब आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके पास अमाउंट है, ठीक है। यानी कि इनका डिफरेंस क्या होगा, आपके पास एसआई आपके पास कितना होगा, एसआई आपके पास हो जाएगा यहां पर 1। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको पूछा गया रेट, तो रेट निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, SI/Principal×100/T। आपके पास दिया है एसआई कितना दिया, 1/6, प्रिंसिपल आपके पास 6 हो गया, इंटू में आपके पास आएगा 100/ आपके पास टाइम दिया है 3 ईयर्स, ये आपके पास 100 है। आप डायरेक्ट कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 50, यहां पर आ जाएगा 3 और आपके पास हो गया 50/9 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5/5/9% आंसर। यानी कि आपके पास ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। हमारे पास किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है तो वह राशि बताओ। यानी कि आपको क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है तो वह आपको राशि बतानी है। यानी कि आपके पास डायरेक्ट क्या है, आपके पास पूछा है कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि आपके पास प्रश्न है, ऑप्शंस दिया है, ए ऑप्शंस आपके पास 210 रुपए, बी आपके पास 280, सी आपके पास 750, डी ऑप्शन आपके पास 840। यहां पर आपके पास प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। जहां पर आपके पास इस टाइप का प्रश्न हो यानी कि 4-3 वर्ष का अलग अलग आपके पास ईयर दे रखे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास सेम है, यानी कि आप क्या करोगे R×T का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आपके पास दिया है 5% के हिसाब से × 3 ईयर्स और सेकंड टाइम में आपके पास अल्टरनेट मेथड में दिया है
5% इंटू आपके पास हो जाएगा 4, अब आपके पास आएगा 15, यहां पर आपके पास हो जाएगा 20। उसके बाद आपके पास इनका डिफरेंस कितना है, आपके पास डिफरेंस है 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना है 42 रुपीज। ये आपके पास प्रश्न में दिया है, यानी कि आपके पास 42 रुपए का अंतर है, तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास 42 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 42/5 इंटू आपके पास आएगा 100, ये चला गया आपके पास 20 पर 100, आपके पास आएगा 42 इंटू 20, आपके पास हो जाएगा 42 इंटू 20 आपके पास हो जाएगा 840 रुपए, यानी कि आपके पास राइट आंसर कितना 840 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अगर मैं बात प्राप्त करूं हमारे पोंटा साहिब शहर की, या फिर अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हमारी जो एकेडमी है वो हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। यहाँ पर मैं जो बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों को मैथ बिना ही फॉर्मूले से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने देखा जाए किसी भी प्रश्न के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर बच्चों के पास बात आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपके पास दिया है प्रश्न का, अगर प्रश्न की ओर रुख करते हैं, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया विसर्जन क्या होगा, यानी कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया विसर्जन क्या होगा। अगर आपको यही प्रश्न बिना पेन से सॉल्यूशन करना है तो देखिए आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 4% 4 वर्ष में 2% बढ़ा, यानी 8% बढ़ा, 400 का 8% होगा आपके पास 32 रुपए प्लस 480, यानी कि आंसर होगा आपके पास 512। यानी कि इसी प्रश्न को आप चाहो आप फॉर्मूला लगा के करिए, आप किसी भी एकेडमी में जाएं तो वहां पर आपको फॉर्मूला ही पढ़ाया जाता है। यहां पर अगर हम बेसिक कंसेप्ट करें, यानी कि यहां पर देखिए बिना फॉर्मूले से, यानी कि आपके पास होगा 4% इंटू 4 ईयर्स, सॉरी हेलो बच्चों, प्रश्न है आपके पास, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में अपने आप से 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर आपको ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुनी, यानी कि अपने आप से डबल हो रही है, और आपको पूछा कि ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि 12%, 10%, 15% या 20%। आपके पास डायरेक्ट है कोई राशि, यानी कि अगर मैं राशि को 100 रुपए मान लेता हूं और आपके पास यहां पर पूछा कि आपके पास इसका 2 गुना, यानी कि 200 रुपए, इसका 100 का डबल हो गया 200, यानी कि इनका डिफरेंस जो आएगा यहां पर हमारे पास डिफरेंस आपके पास आएगा 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए के बटे में आपके पास 10 साल, यानी कि 10, इससे आपके पास 0 से 0 कैंसिल, आपके पास बचा 10%, आपके पास रेट परसेंट कितना आ गया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास 20 है राइट आंसर। मैं हूं नरेश कुमार और मेरे नरेश सर क्लासेस में गुरुकुल कोचिंग में आपका स्वागत है। यहां पर मैं नरेश कुमार आपको एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जहां पर चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाइंड, मैं एक चैप्टर से लेकर आपको हर एक चैप्टर के बारे में भीतर बिना फॉर्मूले से सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। आज मेरी मैथ के ऊपर पहली वीडियो आ रही है और बहुत ही जल्द मैं HPTET, TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेरे जितना भी स्टाफ है वो सभी का मैं लेक्चर आपके लिए, HPGK का हो या फिर आपका बैंकिंग की तैयारी हो या आपकी SSC की तैयारी हो या फिर इंडियन आर्मी या पुलिस या पटवारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन और लाइव क्लासेस लेकर बहुत जल्द आने वाला हूँ। इस संडे से मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है और यहाँ पर अगर आपको मेरे से जुड़ना है या फिर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या फिर आपके लिए आपके पास मैथ में या अगर आप डेली मेरे से नोट्स लेना चाहें तो आप मेरा नंबर नोट करिए 9882144495। इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम और नंबर आप मैसेज कर सकते हैं, जहां पर लड़के लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर के लिए जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़ सकते वो मेरे से डेली करंट अफेयर्स इस नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। प्लस अगर आपके पास मैथ का कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम्स है किसी भी टॉपिक्स में, चाहे वो आपका कैलेंडर हो, चाहे वो आपका अलजेब्रा में हो, चाहे वो आपका किसी भी टॉपिक्स में, यहाँ पर जितना भी मैथ पढ़ाया जाएगा वो बिना ही फॉर्मूले से